नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे को लेकर। रेलवे में कई ऐसी ट्रेनें हैं जिसको कि रद्द कर दी गई है। आज हम पूरा विस्तार से जानेंगे इन ट्रेनों के बारे में। भागलपुर और बरहरवा स्टेशन के बीच साहिबगंज स्टेशन पर 22 से 27 सितंबर के बीच नन इंटरलॉकिंग यानी कि NI का काम होगा। इस कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, साथ ही साथ कई अन्य ट्रेनों का मार्ग जो है परिवर्तित कर दिया गया है। बता दें कि इन स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग वर्क के लिए बरहरवा साहिबगंज सेक्शन में 22 से 27 सितंबर तक प्री NI व NI वर्क कराया जाएगा। रेलवे आए दिन अपने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई तरह के बदलाव करता रहा है, जिससे कि यात्रियों को यात्रा के दौरान ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। ऐसे में रेलवे इन दिनों पटरियों पर काम कर रहा है, जिससे कि ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाया जा सके और यात्रियों को विशेष तरह की सुविधा मिल सके। तो आइए जान लेते हैं कि 24 से 27 सितंबर के बीच में कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको कि रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 03431 और 32 यानी कि 31 और 32 साहिबगंज जमालपुर मेमो, ये जो पैसेंजर ट्रेन है इसे रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 03433 34 जमालपुर क्यूल मेमू पैसेंजर ट्रेन जो है इसे भी रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 03037 और 38 साहिबगंज भागलपुर स्पेशल ट्रेन इसे भी रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 03407 08 रामपुर हाट साहिबगंज स्पेशल ट्रेन इसे भी रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 03091 और 92 अजीमगंज साहिबगंज पैसेंजर स्पेशल ट्रेन इसे भी रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 05405 और 06 साहिबगंज रामपुर हाट पैसेंजर जो ट्रेन है इसे भी रद्द किया गया है। गाड़ी संख्या 05407 रामपुर हाट गया स्पेशल पैसेंजर ट्रेन, इस ट्रेन को जो है 24 से 28 सितंबर के बीच में जो है ये ट्रेनें रद्द रहेंगी। अगर हम जिसका बात करेंगे वो जो ट्रेनें हैं वो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में रद्द रहेगी। उसका है गाड़ी संख्या 05404 गया जमालपुर स्पेशल पैसेंजर से 25 से 29 सितंबर के बीच में ट्रेनें रद्द रहेगी। गाड़ी संख्या 05408 जमालपुर रामपुर हाट स्पेशल पैसेंजर ट्रेन 25 से 29 सितंबर के बीच में रद्द रहेगी। इन ट्रेनों के रूट में किया गया है बदलाव। अप और डाउन ब्रह्मपुत्र मेल जमालपुर मुंगेर कटिहार के रास्ते 23 और 26 सितंबर तक के लिए चलेगी। गया हावड़ा एक्सप्रेस आसनसोल झाझा कियूल के रास्ते 24 से 27 सितंबर के बीच में चलेगी। हावड़ा गया एक्सप्रेस आसनसोल झाझा कियूल होकर 23 से 26 सितंबर के बीच में चलेगी। हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस रामपुर हाट दुमका भागलपुर के रास्ते 24 से 27 सितंबर तक चलेगी। जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस भागलपुर दुमका रामपुर हाट के रास्ते 23 से 26 सितंबर तक के लिए चलेगी। इन ट्रेनों के साउथ टर्मिनेशन पर रोका जाएगा, यानी कि यह अपने आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुँच सकेगी। साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस पीरपैंती स्टेशन तक ही चलेगी। उसके बाद साहिबगंज मालदा टाउन पैसेंजर सकरी गली स्टेशन तक ही चलेगी। तो यानी कि इंटरलॉकिंग के काम के चलते जो है कई ऐसे ट्रेनें हैं जिनको कि रद्द किया गया, कई ट्रेनों को जो है रूट में बदलाव किया गया और कई ट्रेनें जो है अपने आखिरी गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी। ये थे बिहार में रद्द ट्रेनों की लिस्ट। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।